everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing good. So in this video I'm going to share with you a effective lip scrub for beautiful plumpy lip. अगर आपके लिप भी चैप्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, एक अच्छे मॉइस्चर की जरूरत है या आपको एक अच्छे स्क्रब की जरूरत है तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं. बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, फर्स्ट यूज में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो इसको बनाना भी बहुत ज्यादा इजी है. यहाँ पर इसको बनाना, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको बनाना स्टार्ट करने से पहले हियर इज वेरी क्विक इंट्रो अबाउट दिस चैनल. सो वट एवर आई एम शेयरिंग टूडे एंड ऑल द रेमेडीज वट एवर आई हैव शेयर विद यू बिफोर, ऑल द रेमेडीज प्रिपेयर्ड बाय मी, टेस्टेड बाय मी ऑन माय फेस, व्हेन आई गॉट अ गुड रिजल्ट देन ओनली आई हैव शेयर ऑल द रेमेडीज विद यू. अगर आप भी कोई रेमेडी मेरी यूज करते हैं तो उसका एक छोटा सा पैच टेस्ट अपनी स्किन पे कर लीजिएगा पहले, ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी रेमेडी आपके लिए अच्छी है और या नहीं है. अगर कोई भी रेमेडी या कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता तो आप उस इंग्रेडिएंट को हटा के भी उस रेमेडी को यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, आई लव टू मेक थिंग्स फॉर होम. तो आने वाले वक्त में यू कैन वॉच अ होम वीडियोज एज वेल इन दिस चैनल. सो प्लीज बने रहिएगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं. Here we have all the ingredient for lip scrub. So सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है brown sugar. इसको जब आप grind करेंगे तो इस तरीके का white powder receive होगा. यहाँ पर मैंने 1 spoon लिया है ताकि बनाकर store कर सकूँ. अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो quantity थोड़ी ही लीजिएगा. Now यहाँ पर मैं सिर्फ 1/4 spoon add करूँगी cinnamon powder. Cinnamon powder भी थोड़ा ही लेना है ताकि आपके lip पे ज़्यादा अगर use करेंगे तो lip पे burning sensation हो सकती है. Now इसमें मैंने add किया honey. अब इसके बाद मैं इसमें add करूँगी olive oil. अब इसको एक अच्छी सी स्मूथनेस देने के लिए यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे वैसलीन. वैसलीन ऐड करने से आपके लिप स्क्रब को बहुत अच्छी सी स्मूथनेस मिलेगी और बहुत अच्छे से ये लिप पे रन करेगा. अच्छे से लिप स्क्रब को मिक्स कर लीजिए एंड नाउ इट्स रेडी टू अप्लाई. अब इसके आगे के प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा वार्म वाटर और कॉटन पैड को उस पर डिप करके रख देना है. नाउ हेयर आई हैव अ टूथब्रश एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेमेडी. नाउ यहाँ पर आपको ऐसा टूथब्रश लेना है जिसके बैक साइड पे टंग क्लीनर या इसको टंग स्क्रैपर भी कह सकते हैं हो, और ब्रश हम सबके पास होता ही है. नाउ यहाँ पे इसका आपको क्या बेनिफिट होगा इस रेमेडी में, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके लिप में से जितनी भी डेड स्किन होगा उसको रिमूव करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से इस रेमेडी का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो आप प्लीज़ इसके लिए ब्रश का यूज़ ज़रूर कीजिएगा. अब यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने लिप को क्लीन कीजिए और प्रिपेयर कीजिए लिप स्क्रब के लिए. यहाँ पर आपको जो कॉटन पैड आपने वाटर में डिप करके रखी थी उससे अपने लिप को अच्छे से क्लीन करना है. उसके बाद आपको लिप स्क्रब को अपने लिप पे अप्लाई करना है. फिर उसके बाद ब्रश की हेल्प से सर्कुलर मोशन पे अपने लिप पे इसको सर्कुलर मोशन पे मूव करना है. नाउ यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बहुत ही जेंटल वे में करनी है और 1 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे. बी जेंटल विद योर लिप, बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं करना. उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और फर्स्ट ही यूज़ में आप इसका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट और इफेक्ट अपने लिप में देखेंगे. लिप का डार्क कलर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हो सकता है आपके लिप का डार्क होने का रीजन विटामिन B12 की कमी से हो या यूवी रेज के वजह से हो. तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट को भी हेल्दी रखना है. विटामिन B12 की कमी को आप पूरा कर सकते हैं. आप वेजिटेरियन हैं तो चीज लीजिए, मिल्क लीजिए, जो कि आपकी विटामिन B12 की कमी को फिल करेगा. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, और जितनी भी नॉन वेज वाली मील है उन्हें लेंगे तो आपको विटामिन B12 उनसे मिलेगा. तो यहाँ पर आप इस तरीके से विटामिन B12 की को पूरा कर सकते हैं. बट जो ब्राउन शुगर है वो आपके लिप में से जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव कर देगा और बहुत अच्छे से आपके लिप पे काम करेगा. अदर इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस स्क्रब में, जो कि आपके लिप में बहुत अच्छा सा ब्लड का फ्लो करेगा. जो सिनेमन पाउडर होता है वो इंक्रीज करता है हमारे ब्लड फ्लो को, जिसके वजह से हमारे लिप काफी ज्यादा प्लम्पी दिखाई देते हैं. सो यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी सी लेनी है. क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है. तो क्वांटिटी शुड बी वेरी लिटिल. जो वैसलीन है वो आपके लिप पे बहुत अच्छे से काम करेगी. पेट्रोलियम जेली जो होती है वो आपके जितने भी वाउंड्स होते हैं उनको हील करने का काम करती है और एक मॉइस्चर को लॉक रखती है. तो यहाँ पर जो ये स्क्रब है इसके अंदर एक तो बहुत अच्छे से आपका स्क्रब मूव करेगा, सेकेंड आपकी जो वाउंड्स है उनको हील करेगी और एक मॉइस्चर को आपके लिप पे बनाए रखेगी.
अदर इंग्रेडिएंट मिलाया है वो है हनी, और हनी आपके लिप को एक बहुत अच्छा सा हाइड्रेट रखेगा और एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चर देगा। आप देखेंगे आपके लिप में से अगर डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और एक बहुत अच्छा सा ब्लड फ्लो आपके लिप को मिलेगा। और आप अगर अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, कोई भी ग्लो चाहते हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप इस ब्रश का जरूर यूज कीजिएगा अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रश रखा है जिसमें इस तरीके के डॉट्स हैं, तो उनको लिप स्क्रब जब आप बना रहे हैं तो इस ब्रश का ही यूज कीजिएगा, फिंगर का यूज ना करते हुए, तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है। सो होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ भी इसमें यूजफुल रहा हो और आपको एक अच्छा इफेक्ट मिले या अच्छा बेनिफिट इससे मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।